वापी पालिका ने जीआईडीसी ने जोड़ता जे टाइप रोड पर पांच इसमो हिंसक हुमला नो भोग बनेला इजाग्रस्त युवक नु सारवार दरमियान मौत निपजता वापी जीआईडीसी पोलीसे त्रण आरोपीओ नी धरपकड़ करी छे। वलसाड जिल्लाना वापी जीआईडीसी ना जे टाइप रोड पासे मारामारी ना नामचीन कलीम उर्फे हकलो शशिकांत मिश्रा कादिर मंसूरी सहित पांच जेटला इसमोए दिलीप वनवासी साथे अढ़ी मास पहला थयेली मारामारी नी अदावत मा तेने अटकावी लोखंडना रोड हथियार वडे जीवलेण हुमलो कर्यो हतो। गंभीर इजाग्रस्त हालत में दिलीप ने छोड़ी आरोपीओ भागी छूट्या हता। घटना की जाण वापी जीआईडीसी पोलिस ने थता स्थल पर पहुंची 108 नी मदद थी दिलीप ने नजीकनी हॉस्पिटल में प्राथमिक सारवार आपी वधु सारवार माटे वलसाड सिविल हॉस्पिटल में खसेड़ायो हतो, ज्यां तेनुं सारवार दरमियान मौत निपज्युं छे। आ घटना अंगे वापी जीआईडीसी पोलिस मथके दिलीपना पिता शिवधन वनवासीए फरियाद नोंधावी हती। पोलीसे आरोपी कलीम उर्फे हकलो सैयद बंसी राजेश हड़पति लक्की उर्फे शशिकांत मिश्रा भोलू कादर मंसूरी विरुद्ध गुनो दाखल करी त्रण आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। अत्रे उल्लेखनीय छे कि हत्याराओ साथे मृतक युवकनो झगड़ो थयो हतो अने तेमां ते जेलवास कापतो हतो अने एक दिवस पहला जेलमांथी छूटी अने बहार आव्यो हतो, जे बाद तेना मित्रों साथे दमणना आठियावाड़मांथी रात्रे परत आवतो हतो ત્યારે મોકો જોઈ વોચ ગોઠવી ઉભેલા હત્યારાઓએ તેને રસ્તામાં રોકી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો। આ ઘટનામાં મૃતક યુવકના પરિવારજનોએ શિરીના પંચાયત સભ્ય પર આક્ષેપો કર્યા હતા। इसके अंदर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग हैं वो एक आदमी को मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो बाद में फिर पता चला कि जो मरने वाला जो है दिलीप वनवासी है वो एक दो दिन पहले ही जमानत पर रिहा होकर आया था, उसके ऊपर केस चल रहा था और ये जो है हत्या है वो आपसी रंजिश को लेकर की गई है। कितने लोगों की पकड़ा? इसके अंदर हमने अब तक तीन लोगों को पकड़ा है, कालीम शेख जिसके ऊपर पहले से ही थेफ्ट और लड़ाई झगड़ा आम सेट और फोर्जरी जैसे गंभीर गुना दर्ज हैं। दूसरा उसमें पकड़ा है हमने वो है शशिकांत मिश्रा, उसके अगेंस्ट भी इसके अंदर आम सेक्ट का और जो स्ट्रीट फाइट होती है उसके गुना दाखिल हैं भी। और तीसरा जो हमने पकड़ा है वो है कादिर मंसूरी, उसके अगेंस्ट हमने लूट किडनैपिंग जैसे खतरनाक गुना पहले से दाखिल है और ये तीन इसमें इन्वॉल्व रहे और बाकी जो आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है। कितने आरोपी भी तलाश जा रही है? अभी तक उन्होंने इसमें लगभग 5-6 लोगों का नाम बताया जा रहा है, लेकिन ये तपास का विषय है। अभी तो ये तीन लोगों का प्राइम ऑफ एसी आया है, बाकी लोगों का भी अभी। सर ये जो मृतक हो गए जो आरोपी है उसमें क्या रिलेशन था और कुछ रंजिश का मामला? हाँ, ये जो है मृतक जो है ये जमानत पे छूट के बाहर आया था। ये मृतक है, इसने जो सामने वाले हैं इनके किसी के सगे संबंधी के साथ लड़ाई झगड़ा किया था, जिसकी वजह से उसके फ्रैक्चर वगैरह कुछ आया होगा और उस वजह से वहाँ पे था, जेल में बंद था और जेल से अभी 2 दिन पहले ही उसको जमानत मिली थी और जमानत के बाद में ये जो है सामने वाले हैं ये उसके वॉच पे थे दमन से और उसके पीछे पीछे आए और यहाँ पे जब वापी में आया तो वहाँ पे उसके साथ सरिये और जो लोहे की पाइप है उससे मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हाँ, बदले की भावना से। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी है नहीं, वो आईओ के पास मिल सकती है आपको। सर किसी बड़े आदमी का नाम सुनाई दे रहा है, कोई सरपंच के सरपंच का आदमी है सब कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ आया है अभी तक के तलाश में? ऐसा अभी हम लोग उस एरिया में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी कुछ कहना संभव नहीं है यार। पुस्तक किया जाएगा नाम जो आएंगे उसके उनके खिलाफ? हाँ, जिन जिन लोगों का नाम आएगा उनसे पूछताछ की जाएगी, उस एरिया में भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अगर किसी के भी अगेंस्ट कुछ हमें सबूत मिलेंगे तो उसके बेसिस पे उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।